जाने उस फैन के बारे में जिन्होंने पूरी उम्र लता के गानों के कलेक्शन में लगा दी। लता जी के एक फैन है मध्य प्रदेश के बैतूल की आमला तहसील के रहने वाले मदन लाल गुगनानी, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र लता जी के गीतों का कलेक्शन करने में गुजारी है। इनके पास लता जी के सुरीले गीतों से भरे 2000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट और 1400 से ज्यादा डीवीडी का कलेक्शन है। लेकिन मदन लाल की मन्नत तो तब पूरी हुई जब 13 साल पहले उनकी मुलाकात लता जी से उनके मुंबई स्थित घर पर हुई और लता जी ने उन्हें साईं बाबा के भजनों की एक डीवीडी उपहार में दी। भारत सहित दुनिया में संगीत के कई रसिक हैं जिन्हें भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर से मिलने की ख्वाहिश होगी, लेकिन उनसे मिलने का सौभाग्य मिला उन लोगों को जो सही मायनों में उनके सबसे बड़े फैन हैं। ऐसे ही शख्स 70 साल के मदन लाल गुगनानी, जिन्होंने बचपन में लता जी का गाना सुना। साल 2008 में अचानक वो पला गया और मदन लाल को जाने माने फिल्म समीक्षक अजात शत्रु के साथ मुंबई में लता जी से मिलने का मौका मिला। केवल मुलाकात की नहीं हुई बल्कि लता जी ने मदन लाल को तोहफा भी दिया, जो आज मदन लाल के लिए एक बहुमूल्य धरोहर बन गई है। मदन लाल को लता जी ने साईं बाबा के भजनों की एक डीवीडी उपहार में दी थी, जिसे मदन लाल जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। दरअसल मदन लाल गुगनानी भी लता जी के कोई ऐसे वैसे फैन नहीं है। बचपन से अब तक उन्होंने लता जी के गीतों की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार की है, जिसमें 2000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट, 1400 से ज्यादा डीवीडी और 300 से ज्यादा वीडियो शामिल हैं। मदन लाल पर लता जी की आवाज का जादू ऐसा छाया कि अब उनका एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब वो लता जी के गीत ना सुने, और लता जी का ऐसा कोई गीत नहीं जो मदन लाल के कलेक्शन में नहीं है। मदन लाल के मुताबिक जिस दिन वो लता जी के घर गए थे, उसी दिन लता जी ने उनकी पत्नी और बेटी से भी फोन पर बात की और सभी का हाल चाल पूछा। मदन लाल के लता जी के लिए दीवानगी देखकर दूसरे देशों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने भी उनके लिए लता जी के गीतों के कलेक्शन भेजे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के कराची से भी उनके पास ऑडियो कैसेट आ चुके हैं।